नमस्कार, दिन भर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुख करते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि गांधी जी के पुण्यतिथि पर गांधी के प्रतिमा पर समर्पित किया गया कपास और फूल का माला आज अशोक स्तंभ परिसर स्थित गांधी की प्रतिमा पर गोड्डा विभूति मंच द्वारा पुण्यतिथि पर किया गया याद। राष्ट्रीय विभूति मंच के सदस्य राजेश झा ने बताया कि अक्सर लोग प्रतिमा पर फूल की माला चढ़ाते हैं, पर हम कपास का धागा गांधी को इस वजह से समर्पित कर रहे हैं कि ताकि गांधी के सपनों का भारत सफल हो और ग्राम स्वराज का सपना सफल हो। दूसरी खबर में आपको बता दें कि रोगों को ना करें नज़रअंदाज, ये हो सकता है घातक। आज वर्ल्ड एनटीडी डे पर स्वास्थ्यकर्मी ने गोड्डा में निकाला रैली। सीएस कार्यालय से अशोक स्तंभ तक आई रैली, स्वास्थ्यकर्मी ने लोगों को किया जागरूक। दरअसल एनटीडी नेगलेटेड ट्रॉपिकल डिजीज वो बीमारियां हैं जिस बीमारियों को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर चाहे मलेरिया, फलेरिया, डेंगू हो या कालाजार, इन बीमारियों की जानकारी अधिक लोगों तक नहीं है, यही कारण है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरी खबर में आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कार्यालय गोड्डा में आज नगर अध्यक्ष तापस घोषाल की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मौके पर उपस्थित सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर राकेश रोशन ने कहा, आज राष्ट्रीय शहीद दिवस है। आज के ही दिन नाथूराम गोडसे ने सरेआम गांधी जी की हत्या कर दी थी। गोडसे ने सिर्फ गांधी जी की हत्या नहीं की थी, उनके सोच, उनके देश के प्रति समर्पण की हत्या करने की कोशिश की थी। आज देश में गोडसे वाली सोच रखने वाले हर रोज गांधी जी के विचार की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बापू के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं, बापू की सोच को मरने नहीं देंगे। हम लोग बापू को नमन करते हुए बापू के दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे। अगली खबर में आपको बता दें कि आज जिला अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिला टीम के सभी सदस्य ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी के साथ संगठनात्मक चर्चा एवं विचार किया गया। जिला टीम में मुख्य रूप से शामिल होने वाले में महागमा के पूर्व विधायक राजेश रंजन, प्रवक्ता राजीव मिश्रा, यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभय जायसवाल, मंटू झा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनी झा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अगली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा जिला के प्रखंड परिसर महागमा स्थित गांधी सद्भावना स्थल में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक रितेश रंजन ने कहा कि गांधी जी एक विश्व मानव थे, किसी पागल व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दिए जाने से उनके विचार नहीं मर जाते हैं। जब तक यह विश्व कायम है तब तक गांधी प्रासंगिक बने रहेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक सतीश झा ने कहा कि गांधी के बताए मार्ग पर चलकर ही विश्व शांति और मानव कल्याण हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान आनंद ने गांधी के उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि दुनिया के 84 देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं हैं एवं गांधी के विचारों को पढ़ाया जा रहा है।